नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली है, यानी ध्रुपद जहां पर है भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें, जहां से फैलती है शास्त्रीय संगीत की खुशबू। और आज हम खुशनसीब हैं कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं ध्रुपद गायकी के एक बहुत दिग्गज कलाकार उदय भवालकर जी। नमस्कार, मैं रागगिरी के समस्त श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और शिवेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। बहुत धन्यवाद उदय जी। रागगिरी के लिए हम जब भी आप इंटरव्यू करते हैं कलाकारों से, तो हमारी गुजारिश यही होती है कि इंटरव्यू की एक अच्छी सी शुरुआत हो, इसके लिए किसी भक्ति रचना से शुरुआत की जाए। तो आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो, उससे पहले कोई भक्ति रचना हमें सुनाइए। जय सरस्वती भवानी, जय सरस्वती भवानी, भारती मंगल बुद्धि गुणदानी। जय सरस्वती भवानी, जय सरस्वती भवानी, जननी शारदा महारानी, जननी शारदा महारानी, वीणाधारिणी सुदबुददानी। जय सरस्वती भवानी, जय सरस्वती भवानी, भारती मंगल बुद्धि गुणदानी। जय सरस्वती भवानी, जय सरस्वती भवानी। अच्छा उदय जी, अगर हम बचपन से सिलसिलेवार तरीके से शुरू करें, तो आप तो अपनी बहन के साथ जाते थे सीखने और सीखते भी थे ख्याल गायकी। तो ख्याल गायकी से ध्रुपद, यानी एक कठिन चीज से और ज्यादा कठिन चीज की तरफ किस तरह से आपके कदम बढ़े, उसके बारे में बताइए। हाँ, ऐसा हुआ कि मैं बचपन में उज्जैन मध्य प्रदेश में, वहाँ शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय में मैं वहाँ सीखने जाता था। वहाँ मेरी दीदी भी सीखती थी। मेरी शुरुआत की तालीम मेरी बड़ी बहन दीदी से हुई और उनके साथ में वहाँ संगीत स्कूल में भी जाता था शाम को, और सुबह मेरा रेगुलर स्कूल होता था। और उस समय ऐसा बस गाना सीखना है, कौन सी विधा सीखना है, किससे सीखना है, ऐसा कुछ मन में नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था, ऐसे कोई संभावनाएं नहीं थी आसपास।
हमारे घर में कोई ऐसा वातावरण भी नहीं था कि एलपी रिकॉर्ड सुन रहे हैं या कुछ कैसेट सुनी जा रही है, या ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था माहौल। और ये 1981 की बात है कि मैं अपने पड़ोसी के यहाँ गया था एक अखबार एक्सचेंज करने के लिए, तो उनके यहाँ जो अखबार था उसके अंदर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा कि भोपाल में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग जो ये दुर्लभ होती जा रही कलाओं को, जैसे ध्रुपद हुआ, पखावजोई, सारंगी, टप्पा, वीणा और ये इत्यादि जो ये कलाएं थी, ये कम लोग कर रहे थे, क्योंकि पिछले 100-150 साल से हमारे यहाँ ख्याल गए कि सितार, तबला, हारमोनियम ये लोकप्रिय हुए और लोग धीरे धीरे इन पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे थे। तो उनको वापस, उनका संवर्धन हो, लोग सीखे, वो वापस प्रचार प्रसार में आए, लोग जाने, इसलिए वो एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन ने बनाया था। तो मैंने उसमें मैंने तो जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था वो ध्रुपद का था, तो मैंने बहुत ही कोई विचार करते हुए नहीं न करते हुए मैंने उसके बारे में सोचा और अपने मम्मी पापा से पूछा कि मैं ये इसके लिए आवेदन करूं क्या। तो उन्होंने कहा ज़रूर करो। और फिर मैंने मेरे जो गुरुजी थे उज्जैन में, उनसे पूछा, जिनसे मैं सीख रहा था उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा ज़रूर सीखो, ये डागर परिवार जो है ध्रुपद का बहुत बड़ा विद्वान परिवार है और तुम्हें अच्छा ध्रुपद सीखने को मिलेगा। और शायद वो ये भी सोच रहे थे कि मैं भोपाल में ध्रुपद सीखने के बाद वापस उज्जैन आ जाऊँगा और उनसे मैं ख्याल गायकी सीखते रहूँगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब जो भी संयोग था। तो मैंने 1981 में वो ध्रुपद केंद्र के लिए आवेदन मैंने भरा, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया और फिर उस्ताद के पास में सीखने लगा। तो ऐसा कुछ मन में विचार नहीं था कि मैं पहले ख्याल सीख रहा हूँ और बाद में ध्रुपद सीख रहा हूँ। हाँ, लोगों ने ज़रूर मुझे बहुत इसको, जिसको मैं मिलता था वो ये कहता था, अरे ध्रुपद क्यों सीख रहे हो, ये कोई गाता नहीं है और इसका क्या भविष्य होगा और इस गायकी में तरह तरह की कमियां जो हैं, वो खामियां जो हैं, वो गिनवाते रहे हमेशा लोग। तो हालांकि मैं उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी विधा जो है वो बहुत बड़ी होती है, व्यक्ति कम पड़ता है उसके लिए। और हमारे यहाँ की संस्कृति में, कलाओं में, कोई भी कला हो, कोई भी उसका एक फॉर्म हो, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत समग्र होता है। तो ध्रुपद तो हमारे राग संगीत की जननी है, इसके अंदर अलाप और विस्तार के लिए और संभावनाओं के लिए बहुत बड़ी जगह है ये। तो ऐसा फिर मैंने उस्ताद के पास आकर, मैंने वहाँ गुरु शिष्य परंपरा से वहाँ 81 से 85 तक वहाँ भोपाल में सीखा। फिर 86 में मेरी इच्छा थी और उनसे सीखने के लिए, तो फिर मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली। फिर मैं बम्बई आ गया, बम्बई में भी अपने गुरु के घर में रहा। तो ऐसे भोपाल और बम्बई दोनों मिलाकर मैं करीब करीब 12-13 वर्ष अपने गुरु के घर में रहा। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि उन दोनों विद्वान गुरुओं से मुझे सीखने को मिला। उदय जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे जुड़े हैं और आपसे जुड़ने का मतलब एक रास्ता खुलता है। आपके छोटे उस्ताद और आपके बड़े उस्ताद यानी ध्रुपद शैली के दो महान कलाकारों के बारे में जानने का और समझने का। तो हमारे जो रागगिरी के सब्सक्राइबर्स हैं उनको अपने छोटे गुरु, अपने छोटे उस्ताद और अपने बड़े उस्ताद यानी उस्ताद फरीदुद्दीन डागर और उस्ताद मोहितुद्दीन डागर के बारे में जरूर बताइए। मेरे दोनों उस्ताद, जिनको बड़े उस्ताद और छोटे उस्ताद भी कहते हैं, वो केवल दो बड़े भाई थे, एक बड़े भाई और एक छोटे भाई, इसलिए बड़े और छोटे कहा जाता है उनको। और दोनों भाइयों का जो एक विद्या देने का एक उनका जो स्वभाव था वो बहुत ही विलक्षणीय था। मतलब ऐसे ज्ञान का भंडार है कि वो आपको देते चले जा रहे हैं, आप उठाओ उसमें से कितना उठा सकते हैं, कितना कर सकते हैं। और दोनों भाई एक, मुझे हमेशा दोनों भाई बहुत एक जैसे लगे, मतलब एक जैसे मतलब कि एक ही लगे मेरे को, इतने साल में उनके घर में रहा।
क्योंकि मेरे दोनों गुरु थे और मेरे लिए मेरे मन में दोनों के प्रति समान भाव, समान प्रेम, समान श्रद्धा, तो इसलिए मुझे वो दोनों दो होते हुए हमेशा एक लगते हैं। पर एक बात है कि दोनों से मुझे बहुत बराबरी का सीखने को मिला। केवल फर्क ये होता था कि बड़े उस्ताद जो थे, जो वीणा बजाते थे, वो राग को एक एक बड़े सिलसिले से या उसको एक अच्छे स्पष्ट रूप से समझा देते थे कि ये राग ऐसा है, ये राग ऐसा है। तो जिसमें एक कहते ना कि एक प्रेडिक्टिबिलिटी, एक 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 निश्चित उसको करना कि ये राग ऐसा है, फिर उसके आसपास के राग भी समझा देते थे कि देखो बेटा, अगर वो जैसे कोमल ऋषभवासावली बता रहे हैं तो उसके अंदर बताते थे कि देखो ये इसके अंदर से बिलास खानी थोड़ी कैसे हो जाएगा, इसके अंदर से भैरवी कैसे हो जाएगा, इसके या जो भी ऐसे आसपास के राग होते, जैसे पूरिया बताया तो दूसरे आसपास के राग बताते थे। तो ये एक उनका एक सिखाने का एक तरीका बहुत स्पष्ट और बहुत एक अच्छा था, एक क्लियर होता था उनका एक सिखाने का तरीका, और काफ़ी मींड वाला उनका जो एक गाने का तरीका था, मींड और ऐसे 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 जाकर ऐसे आना, एक बड़ी लहक उसके अंदर गाने के अंदर, वो मींड का प्रयोग बहुत बड़े उस्ताद के सिखाने में होता था। और छोटे उस्ताद के गाने में और सिखाने में एक एक स्वर पे ठहराओ कि स्वर पे रुको और स्वर को एक अंदर तक झांकने की कोशिश करो कि स्वर क्या है और स्वर कितना सूक्ष्म हो सकता है और कितना सुंदर हो सकता है, और उसके अंदर से जब आप रुकते हैं स्वर के ऊपर तो आपको आपकी मनस्थिति के अनुसार भी, और उसके ऊपर आप जब काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि स्वर कितना गहरा है और उसमें कितनी बारीक बारीक जगह है कि स्वर अपना स्थान बदलता है। तो ये सब ज्ञान जो है वो छोटे उस्ताद से प्राप्त हुआ। और दूसरा मज़े की बात, मतलब क्या होता था, छोटे उस्ताद एक बार जो गा दिया उसके बाद फिर दूसरा कुछ अलग ढंग से कहते थे, तीसरा कुछ अलग ढंग से कहते थे, चौथा, तो एक एक जो आर्ट में एक अनप्रेडिक्टिबिलिटी भी चाहिए जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी प्रेडिक्टिबिलिटी ज़रूरी है उतना अनप्रेडिक्टिबिलिटी या सरप्राइज एलिमेंट जिसको कहते हैं, ये भी एक बहुत ज़रूरी होता है कि अब क्या होने वाला है, एक आश्चर्य एक हमेशा एक रहना चाहिए कि अब क्या होगा। तो ये जो स्थिति है और रियाज करवाने का मादा और जोड़ झाला में जो एक अद्भुत कटिंग करते थे वो अक्षरों के साथ, और ये जो उनकी जो खासियत थी, गमक की खासियत थी उनकी, तो ये सब और अक्षरों को बड़े स्पष्ट रूप से वो कहते थे, जो आर न री नानुम तर न, तो ये दोनों गुरुओं की अपनी अपनी खासियत अपनी अपनी जगह पर मेरे लिए बहुत मूल्यवान, और एक मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे दो अद्भुत विलक्षणी गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।